तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग भुजा के आधार पर त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके थे, अब हम लोग पढ़ते हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण हमारा 90 अंश से कम होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज। जैसा कि देख रहे हैं, इसमें प्रत्येक कोण जितना भी है सब हमारा 90 से कम है, इसीलिए हम उसे बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अब जो अगला हमारा होता है, दूसरा होता है, दूसरा दूसरा हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एप्टीट्यूड लिखा हुआ, कोई बात नहीं। तो दूसरा हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें थीटा का मान एक कोण में 90 अंश का हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अगर मान लीजिए, जैसे यही दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर एक कोण 90 अंश कर दूं तो बाकी ये 60 अंश हो जाएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। जैसा देख रहे हैं आप, यहाँ पर 90 अंश, 60 अंश, 30 अंश, एक कोण का मान अगर 90 अंश हो जाए तो उसे बोलेंगे हम समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। और अगला हमारा प्रकार होता है अब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब्ट्यूज अधिक कोण त्रिभुज जिसमें थीटा का मान एक कोण हमारा 90 अंश से ज्यादा हो, अर्थात थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो उसे बोलेंगे हम क्या, अब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो अगर इसको अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। इधर देखिएगा, हाँ, ये इस तरह से। अगर ये थीटा का मान 120 अंश हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे अब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक, आगे चलते हैं। हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। और एक हम लोग को थ्योरम पता है क्या, अगर हमारे सामने कोई अगर समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज है, तो उसमें 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम लोग हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण कहते हैं। ऐसे जो इधर इधर वाली जो भुजा होती है इसको हम लोग बेस बेस बोलते हैं, और इसको हम लोग परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलते हैं। और इन तीनों भुजाओं के बीच में एक संबंध होता है जिसके बारे में पैथागोरस ने आज से लगभग 2500-2600 साल पहले बताया था। उसी 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 प्रमेय को हम लोग बोलते हैं पैथागोरस की प्रमेय, जो कि होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इन तीनों भुजाओं के बीच में एक संबंध होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पैथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या प्रॉपर्टी यानी गुण। तो पहला गुण होता है कि त्रिभुज की तीनों, इसमें तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। ठीक, और दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो यह हमारे तीनों इंटरनल इंटरनल एंगल हो गए, θ1, θ2, θ3, और यह हमारा एक्सटर्नल एंगल हो गया, यानी कि बाह्य कोण हो गया। तो ये जो बाह्य कोण होता है यह θ4 इन दोनों के सम के बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो जो θ4 होता है, ये बाह्य कोण जो होता है, ये वाला कोण, ये वाला कोण इन दोनों कोणों के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगली प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं हम लोग। तो दिया है क्या कि अगर बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होगा, यानी कि अगर मान लीजिए हमारे सामने कोई ट्रायंगल है इस तरह से। ठीक, अब चूंकि इसमें ये जो दो साइड इसकी बराबर है, इसके सामने के ये दोनों कोण बराबर होंगे, एंड दिस, और ये जो होता है वाइस वर्सा के लिए भी अप्लाई होता है, यानी कि अगर यह दोनों कोण बराबर हैं, इनके सामने वाली भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं ट्रायंगल के बारे में हमको क्लास 9th और 10th में क्या पढ़ना है। ये तो हमारा बेसिक था, अब तक जो हम पढ़ रहे थे ये सब बेसिक था। अब हमको पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में दो चीज पढ़ना है। एक पढ़ना हमको सिमिलर के बारे में, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। हमको मतलब कि दो ट्रायंगल दिया रहेगा, अगर यह ट्रायंगल 1 है और यह ट्रायंगल 2 है, दो ट्रायंगल दिया रहेगा इनके, हाँ, इनके इन इनको मतलब हमको आपस में सिमिलर प्रूफ करना रहेगा, सिमिलर यानी कि समरूप। तो और अभी यहाँ क्लास 9th में हमको दो ट्रायंगल को आपस में सर्वांगसम प्रूफ करना रहेगा। सर्वांगसम, सर्वांगसम यानी कि कंग्रुएंस, कंग्रुएंट,
कंग्रुएंट, दो ट्राइंगल को हमको आपस में कंग्रुएंट प्रूफ करना रहेगा। अब वही क्लास टेंथ में दो ट्राइंगल को हमको आपस में सिमिलर प्रूफ करना रहेगा, सिमिलर यानी कि समरूप। तो अभी हमारे सामने दो वर्ड हैं, इनको पहले अच्छे समझते हैं कि सिमिलर मतलब क्या होता है। सिमिलर मतलब होता है समरूप। ऐसी कोई भी दो आकृति दो या दो से अधिक आकृति आपस में जिनका मतलब कि आकृति समान हो उसे हम बोलते हैं समरूप, उसे हम लोग क्या बोलते हैं समरूप। ठीक, तो समरूप अगर कोई भी दो चीज समरूप है तो उनमें उनका क्या, अगर कोई भी दो आकृति आपस में समरूप है, सिमिलर है, तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा, सिमिलर का जो साइन होता है इस तरह से होता है। ठीक है, अगर कोई दो चीज सिमिलर है तो इसका इसको हम लोग, अगर हम इतना शब्द ना लिखते हुए बस इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक, तो दो आकृति, ठीक है, दो आकृति अगर आपस में उनकी आकृति यानी शेप सेम होता है तो उसे हम सिमिलर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, अब देखिए एक हमारा इतना ये सर्कल हो गया इतना बड़ा, अब एक और सर्कल ले लिए हम, एक और सर्कल ले लिए, और सर्कल ले लिए, और सर्कल ले लिए, चाहे हम कितना भी छोटा सर्कल बना ले, अब बताइए क्या इनका नाम अब चेंज कर देंगे क्या? सबको तो सर्कल बोलेंगे, चाहे सबको सर्कल बोलेंगे, चाहे बड़ा वाला सर्कल ले हम, ठीक, चाहे हम ये बड़ा वाला सर्कल ले, चाहे ये वाला ले, चाहे कोई भी, सबको सर्कल बोलेंगे कि नहीं? इसका मतलब जितना भी सर्कल है सब आपस में सब क्या है, सिमिलर है। सिमिलर माने कि समरूप है। तो कोई भी दो आकृति आपस में सिमिलर होती है तो उसमें क्या होता है कि उनकी आकृति समान होती है लेकिन आकार समान नहीं होता है, अर्थात हैविंग सेम शेप बट नॉट इक्वल साइज। ठीक, तो इसको और हम समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए अब मैं एक यहाँ पर ले लिया, इसका जो अगर आपसे कोई पूछे इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है, और एक हम ले लें यहाँ, तो ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर है। ठीक, ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल, ये भी क्या है, रेक्टेंगल है। सबकी, चूंकि सबका जो शेप है कैसा है, रेक्टेंगल शेप में, तो सब हमारा आपस में सिमिलर है। ठीक है, आशा करते हैं सिमिलर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, अब सिमिलर नहीं है, कौन कौन सिमिलर नहीं है आप देख रहे हैं, अब क्या देख रहे हैं कि हाँ, आप देख रहे हैं जैसे कि यह, अगर हम बोलें कि क्या ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, एक एक सर्कल हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, या वर्ग हो गया, या स्क्वायर हो गया, क्या दोनों आपस में सिमिलर हैं? ये कभी भी आपस में सिमिलर नहीं है, कभी भी आपस में समरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि यह वृत्ताकार है और यह आयताकार है। ठीक, अब हम समझते हैं कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है, इसी को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे या कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, हिंदी मतलब होता है सर्वांग सम, इसका मतलब होता है सर्वांग सम। तो सर्व मतलब होता है इसका, इसको अब इस एक एक शब्द इसमें हाँ इसका ब्रेक डाउन करते हैं। सर्व मतलब होता है सभी, अंग मतलब होता है भाग, असम मतलब क्या होता है, बराबर। तो ऐसे कोई भी 2D या 3D ऑब्जेक्ट जिसका शेप और साइज दोनों इक्वल होते हैं या बराबर होते हैं उसे हम बोलते हैं कि वे दोनों आपस में सर्वांगसम है, यानी कंग्रुएंस है या कंग्रुएंट है। ठीक है, जैसे कि अब अभी हम बात करते हैं, जैसे देखिएगा अब एक हम सर्कल ले लिए, एक और सर्कल ले लिए, हम इस प्रकार से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को जो रेडियस है, मान लीजिए इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो दोनों का रेडियस आपस में इक्वल है। तो अगर मैं इसमें से अगर एक सर्कल को उठा कर और दूसरे के ऊपर रखूं तो बताइए दोनों ढक लेगा कि नहीं? तो जब कोई भी दो चीज आपस में कन्वर्जेंस होता है, सर्वांगसम होता है, तो वे दोनों एक दूसरे का पूरा ओवरलैप कर लेगा, ढक लेगा। तो अर्थात कोई भी दो चीज अगर आपस में कन्वर्जेंट होगा, सर्वांगसम होगा, तो उनका शेप और साइज दोनों इक्वल होता है, साथ दोनों एक दूसरे को संपाति कर लेगा, ढक लेगा। ठीक, तो जैसा देख रहे हैं
तो कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है, सर्वांगसम हैविंग सेम साइज एंड सेम शेप, ठीक है, आकृति और काम दोनों समान होगा उसे बोलेंगे हम सर्वांगसम। जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर, दो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं दो यहाँ सर्कल दिख रहा है, दोनों रेडियस इक्वल है, दोनों कन्वर्जेंस है। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो अगर मैं चाहूँ तो अगर इसमें से एक ट्रायंगल को उठाकर दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखूँ तो ढक लेगा कि नहीं, सिंपल सी बात, ढक लेगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या है, कन्वर्जेंस। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कन्वर्जेंस का जो साइन होता है ये इस तरह से होता है, मतलब पहले इक्वल का साइन बना लीजिएगा, उसके बाद फिर उसके ऊपर इस तरह से कर दीजिएगा, ये हमारा कॉन्ग्रुएंस का साइन हो गया। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ बनाया हूँ, यहाँ बना है, ये दोनों आपस में जो है कॉन्ग्रुएंस है, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, क्या यहाँ पर एक नोट पॉइंट है कि कॉन्ग्रुएंस फिगर में भी सिमिलर बट वाइस वर्सा नॉट फॉलो, मतलब कि अगर दो दो आकृति या कोई वस्तु आपस में अगर कॉन्ग्रुएंस है तो आपस में, हाँ, अगर दो आकृति या कोई वस्तु आपस में सर्वांगसम है तो आपस में समरूप हो सकती है, लेकिन अगर कोई दो आकृति या कोई वस्तु आपस में समरूप है तो आपस में सर्वांगसम नहीं हो सकती है। इसके कहने का मतलब यही है जो यहाँ पर नोट पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए, हमको क्लास 9th में जो भी पढ़ना है, हमारे क्लास 9th में हमको क्या प्रूव करना है, तो हमारे सामने दो ट्राइंगल दिया रहेगा, हमारे सामने दो ट्रायंगल दिया रहेगा, उन दोनों ट्रायंगल को आपस में हमको क्या करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे सामने दो ट्रायंगल दिया रहेगा, उन दोनों ट्रायंगल को आपस में हमको कन्वर्जेंस प्रूव करना रहेगा, कन्वर्जेंस यानी कि सर्वांगसम प्रूव करना रहेगा, यही हमको पूरे क्लास 9th में पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी हो गया पहला वाला, और दूसरा वाला ट्रायंगल हो गया जो हमारा हो गया पी क्यू आर हो गया, तो इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कन्वर्जेंस हमको प्रूव करना रहेगा। तो किस क्राइटेरिया के द्वारा हम इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कन्वर्जेंस प्रूव कर सकते हैं, किस क्राइटेरिया के द्वारा हम इन दोनों ट्रायंगल को आपस में सर्वांगसम प्रूव कर सकते हैं, जो कि नीचे दिया हुआ है। तो दो ट्रायंगल को आपस में कन्वर्जेंस प्रूव करने के लिए यहाँ पर हमारे लिए 5 क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया क्या होता है, साइड एंगल साइड, ठीक है, यस ए यस सास। उसके बाद दूसरा होता है ए ए यस ए एंगल साइड एंगल। तीसरा होता है आस यानी कि एंगल एंगल साइड। चौथा होता है आर एच यस राइट राइट एंगल, राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण, साइड माने कि कोई भी एक भुजा। पांचवी होती है यस 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 साइड साइड साइड। तो इन्हीं पांचों क्राइटेरिया के द्वारा, इन्हीं पांचों क्राइटेरिया के द्वारा हमको दो ट्रायंगल को आपस में कन्वर्जेंस प्रूव करना है। कौन सा हो गया, पहले साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, साइड साइड साइड। हिंदी में इसको क्या मतलब हो गया, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, कोण कोण भुजा, समकोण कर्ण, समकोण कर्ण भुजा, भुजा भुजा भुजा, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। अब इसी में हमको बार बार एक चीज मिलेगा, क्या एक चीज मिलेगा, सीपीसीटी, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल को आपस में हम लोग कन्वर्जेंस प्रूफ कर लेंगे तो उसमें हमको एक चीज आएगा, सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है, तो सीपीसीटी का मतलब होता है कन्वर्जेंस पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, कंग्रुएंस पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। सी का मतलब हो गया कंग्रुएंस, पी का मतलब हो गया पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ, यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तब बाकी भाग भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी का मतलब होता है क्या, सीपीसीटी। एक बार फिर से देखते हैं कि सीपीसीटी का मतलब क्या होता है। तो सीपीसीटी का मतलब होता है क्या, कि यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तब बाकी भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप, अगर यहाँ पर अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है
हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर। ठीक, हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा है पीक्यूआर। तो इन दोनों ट्रायंगल को आपस में हम लोग कंग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं उन्हीं पांचों क्राइटेरियो के द्वारा, ठीक है। और अगर उसके अलावा जैसे मान लीजिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंस हो गए, अब बोलेगा कि उसका कोई दूसरा कोण प्रूव करने के लिए बोल रहा है या दूसरी कोई साइड आपस में बराबर के लिए बोल रहा है, तो हम लोग उसको सीपीसीटी के द्वारा बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जैसे कि देख, ठीक है, अब इसी को प्रमेय के रूप में हमारे एनसीईआरटी में दिया है कि प्रमेय 7.1, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वांग समता का नियम, क्या एंगल साइड एंगल, क्या दिया है, यदि दिया कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा दूसरे दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो, इसी को बोलेंगे हम, मतलब यही। देखिए अब सबका हम लोग बारी बारी समझते हैं कि अगर दो ट्राइंगल को हम लोग को एंगल साइड एंगल के द्वारा अगर आपस में सिद्ध करना है कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखना इधर सभी लोग देखिए। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, एंगल साइड एंगल, ठीक, तो यहां देख रहे हैं आप, यह हो गया एंगल साइड एंगल, अर्थात यह वाला कोण इसके बराबर हो और उनके बीच की जो भुजा हो इस भुजा के बराबर हो, दूसरा चीज, और तीसरी चीज क्या, यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो, तब यह दोनों ट्रायंगल आपस में एंगल, ठीक, साइड और एंगल से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। बस इसको सिंपली आपको लिखना पड़ेगा क्या कि अब अगर इन दोनों को हमको अगर आपस में सिद्ध करना है तो दिया रहेगा इसमें यह बराबर है या कोण दिया हुआ है, तो बताइए कि दोनों किस कंडीशन के अनुसार आपस में कन्ग्रुएंस होंगे। ठीक, तो अब देख रहे हैं क्या ट्रायंगल ये बी सी है, यह हमारा पी क्यू आर है, तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर, तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी इस वाले त्रिभुज में और ट्रायंगल पी क्यू आर, में कोण बी हमारा, कोण क्यू के बराबर है और बी सी ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, क्यू आर के बराबर है, और कोण सी हमारा कोण आर के बराबर है, तब ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सर्वांगसम होगा, कन्वर्जेंस होगा बाई एंगल साइड एंगल। और कहा था कि कोण ए, और कोण पी को बराबर सिद्ध करिए, कोण ए और कोण पी को बराबर सिद्ध करिए, तो लिख देंगे जब ये दोनों आपस में सर्वांगसम हो गए ये वाले त्रिभुज, तो कोण ए और कोण पी सीपीसीटी से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा आता है, दूसरा जो हमारा है साइड एंगल साइड, अब हमको साइड एंगल साइड, तो दो ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल एक दिया है पहला वाला एबीसी, दूसरा दिया है पी क्यू आर, अगर यह वाली भुजा साइड इसके बराबर हो और इसके बीच का कोण इसके बराबर हो, दूसरा तीसरा की ठीक, यह वाली भुजा इसके बराबर है और यह वाला कोण इसके बराबर है और यह भुजा यह वाली इसके बराबर है, तब हम कह सकते हैं क्या कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंस हैं, सर्वांगसम हैं, कैसे, साइड एंगल साइड से। जैसा देख रहे हैं ए बी बराबर हो गया हमारा पी क्यू, अब कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू, अब बी सी बराबर क्या हो गया क्यू आर, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी हमारा सर्वांगसम होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई साइड एंगल साइड के। और ये हो गया दो क्राइटेरिया, तीसरा हम समझ सकते हैं, तीसरा इधर देखिएगा, तीसरी क्राइटेरिया समझना हमको,
अभी हम लोग दो पढ़ लिए, क्या पढ़े? पहला पढ़े हम लोग कि एंगल साइड एंगल, दूसरा पढ़ लिए साइड एंगल साइड, और तीसरा जो हमारा है, तीसरा है एंगल एंगल साइड। अगर मान लीजिए कोई दो ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल यह है, ये है ए बी सी, और एक दूसरा ट्राइंगल है जो कि है पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब एंगल एंगल साइड मतलब कि यह वाला कोण किसी, इसका एक कोण इसके एक कोण के बराबर हो, और कोई दूसरा कोण इसके दूसरे कोण के बराबर हो, और एक कोई भुजा इसमें से कोई भी एक भुजा, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में एंगल एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, कन्वर्जेंस हो जाएंगे। तो लिख देंगे क्या, तो मान लो कि यह इसको लिख देंगे हम कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, लिख देंगे क्या, इसको लिख देंगे हम एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, उसके बाद एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और मान लीजिए एक साइड हमारी बराबर है तो बी सी बराबर क्यू आर। तो लिख देंगे हम बस यही चीज कि ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। समझ में आई क्या बात, बाई एंगल एंगल साइड। ठीक, अब उसके बाद तो तीन क्राइटेरिया हम लोग पढ़ लिए, अब चौथी क्राइटेरिया हमको पढ़ना है। तो अभी हम तीन क्राइटेरिया पढ़ लिए, क्या पहला पढ़ लिए एंगल साइड एंगल, दूसरा पढ़े साइड एंगल साइड, तीसरा पढ़े हम लोग एंगल एंगल साइड, और चौथी क्राइटेरिया जो होती है वो होती है साइड 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 साइड। दो ट्रायंगल हमारे सामने दिया है, एक ट्रायंगल यह है और एक ट्रायंगल हमारा यह है, ठीक, यह पी क्यू आर है, और दोनों दोनों ट्रायंगल आपस में इक्विलेटरल हो, अर्थात हमारा यह वाली भुजा ए बी पी क्यू के बराबर हो, बी सी क्यू आर के बराबर हो, ए सी पी आर के बराबर हो। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में साइड 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 से कन्वर्जेंट हो जाएंगे, कैसे? तो हम लोग लिख देंगे क्या कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, और ए सी बराबर पी आर। तो ये हमारे दोनों ट्रायंगल आपस में साइड 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 से कन्वर्जेंट हो जाएंगे, ठीक है? तो अब एक लास्ट हमारी जो कि पढ़ना है हमको, जो कि है पांचवी आर एच एस। ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लगता है, जैसे कि मान लीजिए एक हमारा यहाँ पर कोई ट्रायंगल दिया है और एक यहाँ पर कोई ट्रायंगल दिया है, यह 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है, ठीक। तो आर एच एस, आर एच एस मतलब क्या होता है, पचवा आर एच एस, आर मतलब कि राइट एंगल, एच माने हाइपोटेन्यूज, एस माने साइड। अगर इसका 90 अंश हम लिख देंगे क्या, अगर यह लिख दीजिए क्या ए बी सी या पी क्यू आर, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया आर, आर में राइट एंगल, एच एच में हाइपोटेन्यूज, तो लिख देंगे ए सी हमारा है, इसमें हाइपोटेन्यूज ए सी है, ए सी बराबर हो जाएगा पी आर के, और एक साइड मान लीजिए कोई भी चाहिए वाली इसके बराबर है, लिख देंगे बी सी बराबर क्या क्यू आर। बस ये दोनों ट्राइंगल आपस में
नीचे लिख देंगे कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी और सर्वांगसम है ट्रायंगल पीक्यूआर के बाई आर एच एस। बस इतना ही हमको करना रहता है। इन्हीं पांचों क्राइटेरिया को लगाकर दो त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम प्रूफ करना रहता है। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तब तक इस वीडियो को आप कम से कम एक से एक दो बार देखिए। आशा करता हूँ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, क्रिस्टल क्लियर। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।